हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करेंगे पोएम सो वेरी फार, रिटन बाय जीएम मुक्तिभूत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन विद द वीडियो। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। तो जीएम मुक्तिभूत के बारे में पहले जान लेते हैं। एक बहुत ही जाने माने हिंदी पोएट, क्रिटिक और एसेस्ट हैं। नवंबर 13, 1917 जबलपुर में इनका जन्म हुआ। मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी इनके मेजर एरियाज हैं जिन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने लिखा। चिदंबरा, ब्रह्म राक्षस, कला के कल्पना, ये कुछ इनके बहुत फेमस वर्क्स हैं। इसमें से मे बी आपने ब्रह्म राक्षस पोएम पढ़ी भी होगी, एंड इफ नॉट आई हैव द वीडियो फॉर द सेम, यू कैन गो एंड वॉच। इनकी पोइट्री में जनरली थीम्स ये एक्सप्लोर करते हैं वो होती हैं एलियनेशन, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड सोशियो पॉलिटिकल इशूज। So let us begin with a line by line explanation. I am so very far from you people. My fires are so very different from yours that what's poison for you is food for me. यहाँ पे स्टार्ट इस बात से करते हैं कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मेरा एक डिस्टेंस है, एक सेपरेशन है दूसरों से। ये कहते हैं जो सेपरेशन है ना, ये मोटिवेशंस और डिजायर्स की फॉर्म में है कि मैं दूसरों से बहुत अलग हूँ। मेरी जो मोटिवेशन है, जो मेरी डिजायर्स हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं बाकी लोगों से। और कहते हैं यही, दैट व्हाट इज पॉइजन फॉर यू इज फॉर फूड फॉर मी। हो सकता है जो चीजें तुम्हें बुरी लगती हो वही चीजें मुझे मोटिवेशन देती हो, या जो चीजें पसंद ना हो वही मेरी डिजायर। मूविंग फॉरवर्ड, मल्टीट्यूड्स वॉक विद मी इन माई आइसोलेशन। In my loneliness, friendly hands of those you despise. वैसे तो हमारे स्पीकर आइसोलेटेड फील करते हैं, यानी बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, पर ये कहते हैं कि इस अकेलेपन में भी मैं अकेला नहीं हूँ, यानी कि और भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मेरी तरह फील करते हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस, जिनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, जिनकी थिंकिंग डिफरेंट होती है। आगे हम पढ़ते हैं, बट कॉट बाय माई ट्रबल्ड सोल एंड हेल्ड प्रेशियस देयर। इस लाइन में ये सोल नहीं, सोल है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एंड ये लाइंस कहती हैं कि मुझे सबने ऐसा फील करवा दिया है कि मैं बहुत अलग हूँ उनसे, मतलब लोग मुझे अकेला फील करवाते हैं, पर ये कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ फिर भी, क्योंकि मेरे साथ वो चंद लोग, वो कुछ लोग मेरे साथ हैं जो सपोर्टिव हैं, जो मेरे दुख तकलीफों में मेरा साथ देते हैं, चाहे मैं दूसरों से कितनी भी दूरी बना लूं, ऐसे लोग मेरा साथ नहीं छोड़ते। एंड दैट इज वाई यू रेन योर ब्लोज ऑन मी इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट। और ये प्रभावी स्पीकर कहते हैं कि इसीलिए तुम लोग मुझ पे वार करते हो बार बार, इसीलिए मुझे टारगेट किया जाता है पब्लिकली भी प्राइवेटली भी, यानी कि मुझसे लड़ाइयाँ की जाती हैं, और साथ ही साथ मेरे सारे हार्डवर्क को एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा फील करवाने के लिए कि मैं किसी भी चीज़ के कैपेबल नहीं हूँ। लीव्स ऑफ आर ब्लड स्टेन्ड, एपिक्स फ्लाई इन आर फाइट। यहाँ पे इसका मतलब था कि उनकी लाइफ दुख तकलीफों से भरी हुई है, ब्लड स्टेन्ड है, फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। आई कवर्ड माई सेल्फ विद फेलियर्स ट्रैश, फाइंडिंग हीप्स ऑन द स्पायरल स्टेयर केस ऑफ करप्शन एंड कैश, एंड थॉट आई हैव गॉन स्ट्रेट। स्पीकर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने अपने आप को ऐसा मान लिया है कि मैं फेलियर, करप्शन, इन सब चीजों से मैं घिरा हुआ हूँ, मैं इन सब चीजों के अंदर दबा हुआ हूँ, और उसी टाइम पे मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं इन सब चीजों को भूल के आगे बढ़ सकता हूँ, यानी कि बहुत दिक्कतें हैं मेरी लाइफ में अभी भी, फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं उन दिक्कतों से आगे बढ़ चुका हूँ। आई एम स्टिल बिटर इन वट आई डू, हेट द पॉइजन। मैं जो भी करूँ लोगों को कड़वाहट लग दिखती है उस चीज में, लोग कुछ बुराई ढूंढ लेते हैं, और लोग मेरा जो पॉइजन है, यानी कि जो दूसरों को चीजें पसंद नहीं है और मुझे पसंद है, अगर वो चीजें मुझे करते हुए देख लेते हैं तो वो मेरी तरफ हेट्रेड दिखाते हैं, नफरत दिखाते हैं मेरी तरफ। फॉर वट एवर वन हैज वन वॉन्ट समथिंग बेटर,
To sweep the whole world clean, you need a scavenger, and I am not him. यहाँ पे हमारे स्पीकर ह्यूमन टेंडेंसी पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन का एक माइंडसेट क्या होता है। हमेशा ही एक ह्यूमन इम्प्रूवमेंट की तरफ भागता है, हमेशा ही इंसान को कुछ बेटर चाहिए, जो उसके पास उसे सेटिस्फाई नहीं होता, कुछ और चाहिए होता है, बेटर चाहिए होता है। और इसी टाइम इसी चीज के बारे में ये जो रियलिटी है, इससे हमें स्पीकर सामने इसके लेके आते हैं। कहते हैं कि मैं वो स्कैवेंजर नहीं हूँ, मैं वो उस तरीके का इंसान नहीं हूँ कि दूसरों की चीर फाड़ करके, दूसरों को परेशान करके मैं अपने आप को बेटर बना लूँ, अपनी सारी डिजायर्स को पूरा कर लूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। एंड दो समवन इनसाइड मी रोज ईच डे दैट नो वर्क इज अनक्लीन इफ द मैन बी ट्रू द वर्क स्टिल ग्रिम। हमारे यहाँ पे स्पीकर कहते हैं, और इसी वजह से मेरे अंदर की एक आवाज रोज मुझे कहती है कि कोई काम छोटा है, कोई काम गंदा नहीं होता। अगर इंसान सच्चा है तो कोई काम बुरा नहीं है। वर्क हमेशा ही प्योर होता है, वर्क हमेशा ही क्लीन होता है, वर्क हमेशा ही सैटिस्फैक्ट्री होता है। इसका मतलब है हमारे स्पीकर सोचते हैं कि चाहे मैं अभी मुश्किलों से गुजर रहा हूँ, फिर भी एक ऐसा दिन आएगा जब मेरी ये सारी कोशिशें एक दिन रंग लाएंगी। बियॉन्ड द वर्ल्ड एंड इट्स एंड प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर्स, वाइटामिन्स, रेडियोग्राम्स, देयर इज माय फैमिश्ड डॉटर। ये कहते हैं कि जो मेरी ना ये जो डिजायर्स हैं, ये मटेरियल चीजों से बढ़कर है, यानी कि से रेफ्रिजरेटर्स, रेडियोग्राम्स, वाइटामिन्स, मैं इन सब चीजों के पीछे नहीं भागता। Sorry, the line is, there's my famished daughter. In her intestines, gnawing nothing. In her lungs, the shame of those who have nothing. ये अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि जो मेरी बेटी है, उसकी intestines में कितनी दिक्कत है, क्योंकि वो भूख सहती है, poverty का burden अपने ऊपर लेके चल रही है। This is symbolizing कि social issues कितने हैं हमारे society में, और ऐसे individuals जो उनको सफर कर रहे हैं, क्लोजली उनसे बीत रही है उनकी जिंदगी उनके सामने। Only suffering imprisoned by the nothings is true, all else is unreal, untrue, a delusion, deceit. The only truth is a sequence of grief. ये कहते हैं एक ऐसी सफरिंग जो सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी और डिप्राइवेशन से आती हो ना, यानी सहने से आती हो और गरीबी से आती हो, वही एक जेन्युइन सफरिंग है। उसके अलावा कोई भी सफरिंग रियल नहीं है, किसी भी तरह की सफरिंग इतनी पेनफुल नहीं होती, यानी किसी भी तरीके का दुख इतना पेनफुल नहीं होता जितना पॉवर्टी और हर चीज से पिछड़े रहने का दुख होता है। ये एक ऐसा दुख है जो सबसे ऊपर है। द लास्ट स्लाइड, आई एम द स्प्लिट ईयर्ड, द अंडरग्राउंड रिच, करेक्टिंग डिसऑर्डर्स अंडर योर शेवरलेट्स and though this ice rich, oil covered, black, bought by your orders. जब यहाँ पे ऐसे वर्ड यूज करते हैं स्प्लिट ईयर्ड, अंडरग्राउंड रिच, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि लोग हमें मार्जिनलाइज या आउटकास्ट समझते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो उनसे अलग हैं, पिछड़े हुए लोगों की तरह उनको देखा जाता है। ये स्पीकर कहते हैं कि चाहे हमें पिछड़े हुए लोगों की तरह माना जाए, ट्रीट किया जाए, तब भी हम अपने काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे स्पीकर नाम लेते हैं कुछ कंपनीज का, कार की, डॉज, शेवरलेट, और बताते हैं कि चाहे मैं कार्स बनने वाली जगह पे लेबर की तरह काम करता हूँ, तब भी मैं इस फिजिकल बर्डन को, इस हार्ड वर्क को मैं एक प्योर टाइप ऑफ वर्क समझता हूँ, जिससे मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर पोम। फटाफट से थीम्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारी पहली थीम है एलिनेशन एंड आइसोलेशन, कि हमारे जो पोएट हैं, जो स्पीकर है, वो ये एलिनेटेड फील करते हैं, यानी कि उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वो दूसरे लोगों से अलग हैं, दूसरे लोग उनको एक इक्वल चांस नहीं देना चाहते, इक्वल इमोशनल सोशल उनको ओहदा नहीं मिलता सोसाइटी में। अगेन सोशल इनजस्टिस में क्या बात आती है कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल काम कर रहे हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो क्यों ऐसे लोग जो
कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ या कुछ क्यों ऐसे लोग जो दलित हैं या कोई भी ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो इतनी मानी नहीं हुई, तो क्यों ऐसे लोगों को मिसट्रीट किया जाता है, इस बात में ये थीम इस बात को रिफ्लेक्ट करती है। द लास्ट थीम इज डिस्पेयर एंड सफरिंग की एक स्पीकर यानी कि एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी से इतना स्ट्राइक्ड है कि उसकी लाइफ टोटली इफेक्टेड है, एक तरीके से पार्शली डिस्ट्रॉयड है, उसकी फैमिली में इतनी सफरिंग है, और इसी सफरिंग को किस ये पोर्ट्रे करते हैं थ्रू द वर्ड्स ही इज यूजिंग। ये बताते हैं कि कैसे इनकी डॉटर इतना सफर कर रही है, कैसे इनकी डॉटर के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ नॉट ईटिंग। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।